11 अक्टूबर आज उड़ीसा का कुछ एरिया से साउथ वेस्ट मॉनसून विथड्रॉल हुआ है। सुंदरगढ़, झारसीगुड़ा, देवगढ़, संबलपुर, बरगढ़, बलांगीर, सोनपुर, नोआपाड़ा ये सब डिस्ट्रिक्ट के पूरा विथड्रॉ हो गया है। ओंगोल बोध डिस्ट्रिक्ट का मोस्ट ऑफ द पोर्शन से हुआ है। मयूरभंज, केवनझर, ढेनकनाल, कंधमाल, कालाहंडी डिस्ट्रिक्ट का कुछ एरिया से हुआ है। अभी हमारा बारीपदा और भवानीपटना ये दोनों प्लेसेस का बीच में लाइन खींचने से उसका नॉर्थ वेस्ट पोर्शन से जो एरिया है उस एरिया से विथड्रॉल हो गया है। अभी अगला दो दिन में अभी कंडीशन और भी फेवरेबल हो रहा है और भी कुछ एरिया से विथड्रॉल होने का। पिछले 24 घंटा में केवल एक दो जगह करके रेनफॉल चार डिस्ट्रिक्ट का अंदर में हुआ है। जैसा पुरी, जगत सिंहपुर, भद्रक, कटक हाइस्ट रेनफॉल मिला गोप में 14.2 मिलीमीटर। अभी हमारा नॉर्थ अंडमान सी में जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो अभी 3.1 किलोमीटर तक है। तो इसका प्रभाव में अभी लेटेस्ट जो एनालिसिस हमारा दिखा रहा है 13th को आसपास लघुचाप व लो प्रेशर एरिया इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एडजॉइनिंग नॉर्थ अंडमान सी में होने का चांसेस है। और इसका मूवमेंट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड रहेगा और 15th व 16th का आसपास हमारा नॉर्थ आंध्र प्रदेश साउथ उड़ीसा कोस्ट का पास आने का चांसेस है और इसका इंटेंसिटी ऑयल मार्क लो प्रेशर तक रहने का चांसेस है। तो इसके बाद से अभी अगला 5 दिन के लिए हमारा जो फोरकास्ट है मेनली अगला 2 दिन में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में ड्राई वेदर रहेगा। केवल कोस्टल उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है थंडरस्टॉर्म के साथ। और फिर 11th एंड 12th को ये 2 दिन का हो गया। 13th को कोस्टल विशाखा एडजॉइनिंग इंटर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। 14th को कोस्टल विशाखा एडजॉइनिंग इंटर विशाखा में एक दो जगह करके बट कोस्टल विशाखा कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ एरिया में फ्यू प्लेसेस में भी हो सकता है। 15th को फिर रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा कोस्टल विशाखा में इंक्रीज होने का चांसेस है कोस्टल एंड एडजॉइनिंग इंटर विशाखा में, क्योंकि वो हमारा जो लो प्रेशर आएगा उसी का बाजू से। और इसका बाजू से 15th को मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश कोस्टल विशाखा होने का चांसेस है एडजॉइनिंग इंटीरियर विशाखा डिस्ट्रिक्ट में भी और बाकी इंटीरियर एरिया में एक दो जगह करके हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। फिर उसका बाद थोड़ा सा रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का चांसेस है 16th व 17th का आसपास। भुवनेश्वर सिटी में मेनली पार्टली क्लाउड इसका ही रहेगा और थंडर एक्टिविटी कुछ कुछ एरिया में हो सकता है। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड योर कॉमेंट्स आर वैल्यूबल एज वेल।